हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट सॉनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। दिस सॉनेट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट सॉनेट एंड थ्रू दिस सॉनेट विलियम शेक्सपियर ही अपील्स टू beautiful and handsome people that they must get married and they should give birth to their children. We know very well that the first line of the sonnet of Shakespeare is the title of the sonnet. So students, let us see. Here I have written 8 lines of the sonnet and I have decided to make the video of the complete sonnet in 2 parts. Okay, so let us see it. William Shakespeare says, from fairest creatures we desire increase. What William Shakespeare wants to say? William Shakespeare यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप समझिए। William Shakespeare कहते हैं कि from fairest creatures, जो सबसे सुंदर प्राणी हैं, we desire, हम उनसे इच्छा करते हैं increase, कि वो अपने संख्या अपने नंबर को बढ़ाए। फिर से सुनिएगा, शेक्सपियर कहते हैं कि फ्रॉम फेरेस्ट क्रीचर्स, जो सबसे सुंदर प्राणी है उनसे वी डिजायर, हम इच्छा करते हैं इंक्रीज, कि वो अपनी संख्या को बढ़ाएं, अपने नंबर को बढ़ाएं। यानी शेक्सपियर वांट्स टू से that those people who are beautiful, who are handsome, they should get married and they should give birth to the children. In this way, handsome people, beautiful people, fair people, they will increase their number. It is often seen that those people who are handsome, who are beautiful, they are proud of their handsomeness, they are proud of their beauty, and sometimes they are proud of their beauty so much that they are not ready to be married. Suppose if all the beautiful people, if all the handsome people, if they don't get married, then what will happen? This world will be devoid of beautiful, handsome people. I mean to say that handsome and beautiful people will completely disappear from this world. So this is the reason that William Shakespeare, he makes an appeal to handsome people, to beautiful people, to fairest creature, that they should increase their number. How they can increase their number? They can get married and they can give birth to their children. In this way they can increase their number. तो पहली लाइन क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। That thereby beauty's rose, beauty just like rose, as beauty is very soft, so rose is very soft. Okay, that thereby beauty's rose might never die. इस प्रकार से उनकी सुंदरता का जो गुलाब है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। मतलब दोज पीपल हु आर ब्यूटीफुल, इफ दे गेट मैरिड एंड इफ दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, इवन आफ्टर देयर डेथ देयर ब्यूटी विल नॉट डाई, बिकॉज देयर ब्यूटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर चिल्ड्रन। उनकी सुंदरता उनके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगी, बच्चों में क्रिएट होगी। ओके, बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिके, जैसे जैसे हम राइप बड़े होते चले जाते हैं, हमारी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। डिसीज माने होता है डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। लिसन अगेन, बट एज द राइपर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, शुड बाई टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ, डिसीज मतलब रिड्यूस खत्म,
वैसे वैसे हमारी ब्यूटी खत्म हो जाती है. ओके. His tender air, air माने उत्तराधिकारी, might bear his memory. जब एक सुंदर व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वो उसकी सुंदर मेमोरी को धारण किए होते हैं. अर्थात इफ ए पर्सन इज हैंडसम, इफ ए पर्सन इज ब्यूटीफुल, एंड इफ द पर्सन लूजेज हिज और हर ब्यूटी, दैट ब्यूटी इज रिफ्लेक्टेड इन द चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन. वो ब्यूटी उसके बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है. बट दाउ कंट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आईज, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अर्थात इफ ए पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, इफ ए पर्सन इज नॉट रेडी टू शेयर हिज और हर ब्यूटी विद अदर्स, अगर एक व्यक्ति अपने में ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और फीडेस्ट दाई लाइट फ्लेम विद सेल्फ सबस्टेंशियल फ्यूल, और अपनी ब्यूटी को अपने ही सबस्टेंशियल फ्यूल को पर फीड कराता रहता है, अर्थात सेल्फिश हो जाता है, मैरिज नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति मेकिंग ए फेमाइन, ऐसा व्यक्ति सुंदरता का अकाल कर देता है. फेमाइन मीन्स अकाल, वेयर एबेंडेंस लाइज, जबकि उसके अंदर अत्यधिक सुंदरता पाई जाती है. और दाई सेल्फ दाई फो, ऐसा व्यक्ति अपना खुद दुश्मन बन जाता है. टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल, और अपने लिए वो सबसे ज्यादा क्रूअल बन जाता है. व्हाट शेक्सपियर वांट्स टू से, शेक्सपियर वांट्स टू से दैट इफ ए पर्सन हु इज हैंडसम, हु इज ब्यूटिफुल, does not get married and does not give birth to children, what will happen? The beauty of that person will die at the moment the person dies. Such type of person will create a type of famine of beauty, though the person has the beauty in abundance. Such type of person is really not a friend to himself, but such type of person is really a foe, an enemy to himself. So in this way, in all these lines, Shakespeare, he wants to convey, he wants to present only one idea. And the idea is this, that those people who are handsome, who are beautiful, they should get married and they should give birth to their children. Only then they can save their beauty. And if they do it, even after their death, their beauty will survive. Okay, rest of the sonnet I will teach you in the next video. Thanks.